जुग बहत करू अरे अर्ज करू अज मालेरा मारो हेलो सांभले जो जरू सभी भक्त मेरे साथ में एक पंक्ति में गाऊंगी तो एक पंक्ति जितने भी भक्त मेरे बैठे हुए आप सभी भक्त मेरे साथ में मीठी मीठी तालियों से ताल देते हुए कहेंगे खम्मा खम्मा हो रा मारुणी चेरा धनी बोलिए खम्मा खम्मा हो खम्मा खम्मा हो रा मारुणी चेरा धनिया खम्मा हे थानी तू ध्यावी आखो मारवाड़ हो आखो सिद्ध नूर हो अज माल जीरा कवरा खम्मा खम्मा हो रा मारुणी चेरा धनिया अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़े भाव के साथ में बड़ी ताली बड़े रामदेव जी महाराज की जय हो
एक बार फिर से आप सभी भक्तों को बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करनी है। एक साथ सभी भक्त मीठी मीठी तालियों से ताल दे एक साथ। हे खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा। पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा तालियां होनी चाहिए सभी भक्तों की। खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा। हे थानी तू धावी आखो मारवाड़ हो, बाबा सिद्ध नूर हो, आज माल जीरा नवरा। खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाहर से भी पधारे हुए हैं, तो सभी भक्त के लिए कहना चाहूंगी कि हे बाबा, हे थर भगत बैठा सिद्धनुरमा, भगत बैठा सिद्धनुरमा, बाबा थाने याद करे, भगत बैठा सिद्धनुरमा, रामदेव जी ने याद करे, भगतारे भेड़ारी जो भगत बैठा परदेसा, भगत बैठा सिद्ध निर्माही, राम देव जी ने याद करे, भगतारे भिलारी जो राजे हो। अरे तालियां तालियां धंदो जिनरो चाले नी, कारोबार जिनरो चाले नी, धंदो जिनरो चाले नी, कारोबार जिनरो चाले नी, उनमें थे बरगत दीजो राम है थाना, भगत बैठा सिद्ध निर्माही, राम देव जी ने याद करे, भगतारे भेड़ारी जो लागे नी।
भगत मंडली आया करे मां बारा गुण लगाया करे जमला माई जावणो ने जागे रावणी मां ओ जी रूपा गुरु सुअर्ज करे गुरु म्हारे सामी भा सत्संग है और जो संतोरी संघ में आया वे तो पार लग गया, जो संतों से दूर रहे वे डूब गया। तो भगत और जगत रे बेर ऐसा, कोई 18 साल रो बेटो बड़ो करणियो के वे वो छोरो कह दे कि मैं तो जोग लेवण वास्ते जाऊं, तो पिताजी कह दे कि मैं थारे माते 2 लाख रुपया खर्च करिया बेटी रा बाप, यू समझो कि बुढ़ा पर सारो बनेला और तू जोग लेण हर जावे। तो भगत और जगत के मीरा ने भक्ति की तो भी दुनिया ने विरोध किया, रूपा दे जी भक्ति करी तुम्हारा पतिदेव विरोध कियो, लेकिन जब पतिदेव को भी समझ में आ गई बात की वास्तव में भक्ति में तो बड़ी ताकत है, तो बस उसी का ये भजन है मैं प्रस्तुत कर रही हूं, आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। संगत करनी संतरी ने काई नुगड़ा सूखा हो जी नुगड़ा ले जावे नार जी धन संत मिलावे रा ओ जीवायक आया वो गुरुदेव राय रूपा जमले पधारो रे उगम जी महाराज एक दिन गांव में पधारया है। रिक धारू रे जम्मो राख्यो और गुरु महाराज कहो कि मारे रूपांदे जी बहुत समय हुई रूपांदे जी बैठना नहीं हुई। बोले हे धारू एक काम कर, थारे आज रे पाठ पर जो है बे रूपांदे जी ने तू वायक भेजा और आज रे पाठ पर रूपांदे जी ने भी बुला, नाचने का भजन नहीं है, आप एक आधे अंदर में नाच लेना लेकिन वो मुझे फिर बीच में और बोलना पड़ेगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। हो जी वायक आया वो गुरुदेव
बायक आया वो गुरुदेव राय रूपा जमले पधारो रे रूप भाई जागण में पधारो रे एक मकर ने गुरु आओ रे सूता रावण माल जागो रे सूता रावण माल जागे रे निंदिरा मंगावो हारा हेर रीरे ढोलिए सांपड़ला पोडावो रे ए ढोलिए सांपड़ला पोडावो रे निंदिरा मंगावो हारा हेर रीरे ढोलिए सांपड़ला पोडावो रे ए ढोलिए सांपड़ला पोडावो रे रखियो रे दरबारा रे तो आया रखियो रे दरबारा रे गड्डी ले आया है दिखे हाँ जय हो मारा गुरु ने गणी खम्मा रे सबरे संतों ने राम जी रे मारा गुरु ने गणी खम्मा रे ए मारा गुरु ने गणी खम्मा रे रानी रूपादे जी छाने चुपके क्योंकि रात्रा सत्संग में तो रात्रा जानो पड़े और रात्रा जो महल था मेरा पोलिया दरवाजा बंद था। रानी रूपादे जी ने एक धर्मरो भाई तो ताको नाग अपने भाई ने बुलायो बोले भाई पिछले जन्म रो भाई ताको और मिनक नहीं वो भी सांप निंद्रा मंगावो हारा हेररी ढोलिए सांपड़ला पोडावो और इतरो करे ने रूपा हालिया आया रखियो रे दरबारा रानी रूपांदे जी रात्रा निकल और दारू रिख रहे थे जिते सत्संग थी भी सत्संग में आर अपने गुरु महाराज ने बोले सबरे संतों ने रामा राम जी मारा गुरु ने गणी खंबा। अब देखिए रानी रूपांदे जी भजन गाया रावल मालदे जी ने दो लुगाया ही एक घर में दो मता भली कथा सु होय और नारी पूजे देवतार पुरुष पलिता जो मैं अर्थावनी करूं रो नाच दो ही काम भेड़ा की करा ले है आ देना सभी लोग सुनना रावण माल दे जी दो लुगाया ही एक रूपांदे जी दूजी रो नाम थो चंद्रावल तो दोनों देखो सौंक ऊपर सौंक नहीं खटे हैं ताले बजा दो बाबा जी के लिए क्या बात है ये बस एक मुद्रा है हमा ये आनंद है जी
यही तो आनंद है, बुजुर्गों ने यही किया है जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आप बैठो, अटीर बैठो, मैं आपने खड़ा करूं। डाणी रूपांधे जी, भजनों में गया लारे चंद्रावली खवा जी ने लारे मेल लिया के तू पतो लगा कठे जावे। खवा जी गया चुके एक मोजड़ी ऊंच का और पाछी लिया है, बोले कि आ मोजड़ी निशानी। डाणी रूपांधे जी तो अपनी गुरु भक्ति में भजन गा रही है और अठीने महिला में चंद्रावल जार रावण मालदी जी ने जगाया, बोले पिया जी उठो थे तो होता हो, और आज आज जो रूपा दे है बाकटी भजनों में गई है, थारे मना कियोड़ो फिर भी बा गई है। अब देखिए क्या हुआ। अरे बत्तियों बुजोनी हारा है रे रे सुता रावण माल जागा रे, सुता रावण माल जागा रे। हाकड़ी हेरी में हो मी आव यारे रोणी कबीला हिन ज्ञाता रे, रोणी कबीला हिन ज्ञाता रे। रावण मालदी जी तलवार ले निकले, बोले कि चिंता मत कर, आग को रूपा दे बिना पूछे गई है, मा तो बार दूला। और इतने क्रोध कर रावण मालदी जी महलों नीचा उतरा है। रावण मालदी जी तो अठीने आ रहा और रानी रूपांधे जी बड़ी चिंता में लागे कि एक मोजड़ी कटे गई, आई पैर और उड़बाणी जाऊं ला तो पग मंडेला, और पग मंडेला तो रावण मालदी जी ने पतो लाग गयो, या तो रिख रे घरे गई तो सुबह रोड़ो तैयार है। मन में चिंता करती करती गुरु महाराज ने याद करती करती बोले, गुरु महाराज मैं तो आपरे आदेश आई हूं, अब जो भी लारे कोई भी घटना हुई है बात थाने संभालनी है, मन तो बस आपरो आदेश पालनो हो, आपरे आदेश की पालना में आई हूं। गुरु महाराज बोले हाथ जोड़े ने रूपा बोलिया रे गुरु मर मोजड़ी है रोनी रे, गुरु मर मोजड़ी है रोनी रे। विचार करता करता रूपांधे जी जा रहा, अचानक रावण मालदी जी हामी मिल गया, तो जो ही नजर उठाई तो हामी रावण मालदी जी घोड़े पर बैठा है। बोले रानी हाथ में तलवार नंगी, सही सही बताओ कठे गया। अब अचानक अपने मन में बोले कि वो तो गजब मामलो हो गयो। अचानक गुरु महाराज कैसी कृपा की, रानी रूपांधे जी मुना निकल गए, बोले हे पिया जी थाए थे तकलीफ देखी सुबह सुबह, मैं तो आपरे वास्ते बागों में फूल विड़वाने गई हो। रूपांधे जी कह दियो, देखिए बात कैसे रहती है, भगवान भगतरी बात की कर रखे। भगत लिखियो, अरे हाथ जोड़ी ने रूपा बोली अरे आप रे फूल बीण बाग्या तारे, ये थारे फूल लेवण ने जाता रे। एक वेरा वाली रूपा सांबड़ो रे रानी फूल कटा सुलाया रे, ये रानी फूल कटा सुलाया रे। रावण मालदी जी कई और जवाब पाछो त्यार, बोले फूल कटो लाया, वो तो मालानी है अठे तो धोरा ही धोरा पानी कोनी है। और थे रावण मालदी जी जब थाली में देखे हो तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई, मित्रों भगवान ऐसी कृपा कर दी कि रावण मालदी जी ने भगवान आख्या पर एड़ो भ्रम करियो कि खाली थाली में रावण मालदी जी देखे तो फूलों रो बाग लागोड़ो, रावण मालदी जी देखे तो फूला रो बाग लागोड़ो। रावण मालदी जी अचिमित हो गया, बोले फूल। रावण मालदी जी ने अंदर मन परिवर्तन हो गया, बोले कि इन्हें कने कोई न कोई शक्ति है, बाकी थाली खाली नाना प्रकार का फूलारो बाग दिखायो है। रावण मालदेव जी रो सारो मन में जो अभिमान थो वो सारो गड़ गयो, बोले रानी इतनी बड़ी भक्ति है कहीं थारी, तो बोले आ तो भक्ति मारे ही करनी, आ तो भक्ति मारे ही करनी।
माता मीने भक्त लोग सब बैठे हो, दुनिया में आदमी भले कितो ऊंचो बड़ियोड़ो फिरे, कितो अंदर गुब्बारो वे जो फूली जोड़ो फिरे, लुगाया हूं धनी अच्छा ना नहीं है। कई लोग हंस गया, खुदरी बीती बात याद आई है, घना हसे मामे घनी बीते क्या धर्मो जी की कर थे की कर हंस लिया हो। लुगाया आदमी भली मोटो मोटो स्टेज माते ऊंचो ऊंचो भाषण दे, भली भजन गाओ और भली नेतागिरी करो, कलेक्टर हो पर घरे जावे तो मुंडो नीचो गाल जानो पड़े। रावण मालती जी ने जब ये बात करी कि मारे भक्ति करनी, रानी रूपांती जी बोले ओ आदमी भक्ति करेला, क्योंकि इन्हें तो अपने घोड़े रो मद, इन्हें तो अपने ठाकर होने रो राजा होने रो मद, इन्हें तो अपने अपनी ताकत रो बल, इन्हें तो अपने सोना चांदी रो बल, इतनो मद अपने सुंदरता रो मद, इतने तो लुगाया रो मद, भक्ति नहीं कर सके। फिर भी रानी रूपांती जी परीक्षा करी, बोले कोई बात नहीं, अरे मन में बात आई है तो एक बार परख लो, और ये परख में ये सच्चा निकल जाओ तो शायद कदा कोई जिंद को जमारो अपनो भी सुधर जा। हृदय यदि तलवारा काटे, हृदय हृदय बात बात पर तलवारा काटे है तो अपने कहीं करनो, एक बार कोई परीक्षा ले लो, बाई चांस मन बदलो है तो अपने तो कम से कम शांति आगे हुआ तो माता पची नहीं कि कटे गया था। तो देखो चार सवाल किया है, दुनिया में चार चीजें भक्ति वास्ते रोके, और रावण मालदेव जी की परीक्षा करने वास्ते रानी रूपांदे जी चार सवाल रावण मालदेव जी ने किया। बोले हे पिया जी, अरे पहला मारो रे मोबी दी डोरे पछे हंसा वालो डोरो रे, पछे हंसा वालो डोरो रे, एती जो मारो रे गौरो बाच डोरे चौथी चंद्रा बड़ रानी रे, चौथी चंद्रा बड़ रानी रे, पछे पंथड़ लो बताबू रे हो जी। बोले पहला मारो मोबी दीकरो, पछे हंसलो घोड़ो, तीजो मारो गौरव बाछड़ो, चौथी चंद्रावल रानी, पहला पुत्र रो मोह हट्यो कि नहीं हट्यो, क्योंकि आदमी अपने पुत्र बेटा बेटी रे मोह में आदमी कई बार। दूजो मारो थारे जो मद है कि मारे सवारी अड़ी है। तीजो मारो गौरव बाछड़ो, यानी दया भाव है कि नहीं मन में, दया उपजी कि नहीं उपजी, क्योंकि दया बिना तो भक्ति नहीं है। और चौथी चंद्रावल रानी की दुनिया रे भोग जो है, भोग मन उठ्योड़ो है कि नहीं उठ्योड़ो है, क्योंकि यदि संत बन गया और यदि भोग में दुनिया रो जीव रह गयो तो बे संत भी कोई काम नहीं आया। तो चार चीजा की परीक्षा करी रावण मालदेव जी ने, समझ में तो आई नहीं, पर बा जो हुरा पो चढ़ेड़ो हो तलवार हाथ में थी, बोले तू कह तो हंसलो घोड़ो अटी बाड़ दू, लाला घरे आल थारे हाँ में कर दे। रानी रूपांती जी समझाया, बोले पिया जी ये कोई जीव हत्या करने कोई भक्ति थोड़ी वहला, आपरे मन में जो अभिमान है ना इन चीजों के प्रति, जो मन में हिया में प्रति लोभ है, जो माया है, जो ममता है, बा ममता ने मार दो तो ममता रे बाद में जो मारने रे बाद में जो आगे पाउंडो भरोला बा सीधो रसीदो भक्ति की तरफ भरी जेला। अब देखिए किस प्रकार समझे, बड़ो अच्छो वजन है। बोले हे पिया जी, ए हे हे। अरे हो जाओ संत सुधारो थारी काया दी, एक बार दोनों हाथों उठा के थोड़ा तालियों से माहौल बना लो। अपने धनियों रा मार्ग छीना वो रावण मा, हो जाओ संत सुधारो थारी काया जी, अपने धनियों रा मार्ग छीना वो रावण मा, ये हम जोड़ा वो तो रथ खोड़ो ने थी महा को रावण मां, होई जावो संत सुधारो थोरी काया जी, ओ जी।
ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया भरिया जी तेरुडारो थाक नहीं आयो ओ रावण मां ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया जी तेरुडारो थाक नहीं आयो ओ रावण मां कड़वारी नीम नी मोला जारी मीठी कड़वारे नीम नी बोला जारी मीठी जी अरे कुन नर मिसरी मेला कुन नरी मिसरी मेलाई है वो रावण मां कोई जावो संत सुधारो खारी ताया जी हो जी बेट हतायो माल जी झूठ मती बोलो जी ए पत पोतारे वाली जावे है वो रावण मां बेट हतायो माल जी झूठ मती बोलो जी पत पंचों में फारी जावे है वो रावण मां उजड़ के तो में माल जी बीज मती भावो कोई कहे कि डूंगर ने खड़ो तो धान वेला नहीं वेला। संतों ने कहा है कि बीज खेत में बावड़ो खारस मत बाओ, बीज बीज खेत में बावड़ो और खारस मत बावो, किनोड़ी कमाई आड़ी आवसी गाड़ा भर लावो, मारा सतगुरु हेलो मारियो सुतोड़ा जागो और हुरो पुरो रो खेलनो कायर हो तो भागो। बोले हे पिया जी, थाने भक्ति करने वास्ते सिर्फ एक आदमी रो पतो लगाओ कि कड़वारे नीम और निम्बोलिया जारी मीठी कुण नर मिश्री मिलाई, नीमड़ा रो पेड़ खारो है कुंपड़ा खारी है तो निम्बोली मीठी की किकर हुई, पर निम्बोली मीठी कुण बनाई आप तो बस ये पता लगाओ, ध्यान लगाओ, सच बोलो झूठ मत बोलो। घर री तो अब अंत में सबसे बड़ी बात क्या बोली, अरे घर री तो खांड तरकरी लागे गुड़ तो चोरी रे बाड़ो मीठो ओ रावण मां घर री तो खांड तरकरी लागे जी क्योंकि घर रात तो घट में घोर अंधेरो और पर घर दिवला कहीं जुवे घर रातो घट में घोर अंधेरो और पर घर दिवला है। बोले दुनिया में ओ फूट रो है तो पहला घर ही देख लेनी भाई है। घर री तो खांड तरकरी लागे जी गुड़ तो चोरी रे वालो मीठो रावण मां पराई नार आंगणिये बीच बेनड़ के बतिड़ावो ओ रावण मां होई जावो संत सुधारो खारी ताया जी ओ जी। अरे छेल चतुरी रंग रसिया रे भवरा छेल चतुरी रंग रसिया रे भवरा पर घर
पर घर प्रीत मत कीजे, ओ पराई नारिया नैण कतारी रूप देख मत दीजे रे भाई मारा, पर घर प्रीत मत कीजे। रावल मालदी जी ने बेशब्द बड़ा काम आया था, क्योंकि लागी लागी सब कवे लागी नहीं लगा, और लागी हरी रे नाम री वा भई कड़े जे। रावल मालदी जी उसी दिन सारा अस्त्र शस्त्र त्याग कर नाथ संप्रदाय में भक्ति करी, और आज भई रावल मालदी जी मल्लीनाथ जी रे नाम अपने पूरे हिंदुस्तान में नाथ परंपरा में बड़ो ऊंचो नाम है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोल दो, बड़े मल्लीनाथ जी महाराज की। अंत में दोई करी जोड़ रानी रूपा दीदी बोलर बोले जी, अपने धनियों ने समझाया हो रावण मा, दोई करी जोड़ रानी रूपा दीदी बोले जी, अपने धनियों ने समझाया हो रावण मा, कोई जावो संत सुधारो खाली काया जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की।